मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। तो मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूंगा। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है। तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। आपका ये प्रेम, आपका विश्वास, आज मुझे पूरे विश्वास से लग रहा है कि निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। इस शहर में मेरी स्मृतियां है, इसी बस्ती में मुन्ना महाजन और उस समय हम सब युवा मिलकर दीवारों पर लिखने का काम करते थे। यहां एक एम्प्रेस मिल की दीवार थी, मैं याद कर रहा था कि उसके ऊपर चूना लगाने का काम मैंने किया था क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब था। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेम दिया। ये जितनी बातें बताई जा रही है, मैंने टनल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवेज बनाई, बड़े बड़े ब्रिज बनाए, गंगा पर 11 ब्रिज बनाए, ब्रह्मपुत्रा पर बनाए, वर्ल्ड के 7 रिकॉर्ड हुए, पर ये सब काम मैं इसीलिए कर सका कि आप लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया, विश्वास दिया और समर्थन दिया उसके कारण। अगर आप नागपुर में, अगर मैं नागपुर में अगर लोकसभा चुनाव नहीं जीतता तो मैं मंत्री नहीं बनता, और मंत्री नहीं बनता तो आपके लिए काम कहां से करता। तो जो मैंने कुछ काम किया है उसका श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों को, नागपुर की जनता को है। और इसलिए मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो नागपुर को कभी भूलता नहीं हूं, न कभी भूलूंगा। 10 साल में इस क्षेत्र में जो काम मेरे द्वारा हुआ है, पहली बार चुनाव के लिए जनता को हिसाब देने के लिए वो उसकी टोटल की गई, तो पहली बार मुझे ध्यान में आया कि इस 10 साल में मैंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में किया है, 1 लाख करोड़। पर आपके आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ ये तो न्यूज़रील है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना, और काम करेंगे और तुम्हारे हमारे सबके नागपुर को दुनिया की पटल पर ले जाएंगे। देश का अच्छे शहरों में नहीं तो दुनिया के अच्छे शहरों में नागपुर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़कों को रोजगार कैसे मिले। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं है, और मैंने उनको कहा था कि मेरे पुण्याई का उपयोग करके तुम राजनीति में जाओ मत। तुमको राजनीति में जाना है तो पोस्टर चिपकाओ, दीवालों पर रंग लगाओ और लोगों में जाओ। मेरी विरासत, मैंने किया हुआ काम, अगर इसके ऊपर किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है, वो मेरे वारसदार। मैंने यह तय किया है कि जातीयवाद को घर से हटा लो। नागपुर शहर मेरा परिवार है, आप सब मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरे यहां कोई भी कैंसर, हार्ट का रुग्ण हो, कोई दिव्यांग हो, मेरी मां ने मुझे बताया था कि तुम इनकी सेवा करते रहो, तुमको कोई कमी नहीं होगी। परसों मैंने करीब 90 इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्राइसिकल दिव्यांगों को दी। जब मैं उनके पास गुलाब का फूल दे रहा था, उनके आंखों में आंसू थे। 350 लोगों को पैर लगा के दिए।
और फुटबॉल खेलने लगे, बुलेट चलाने लगे। मैंने मन में कहा कि सब कुछ मिल गया, जात पंथ धर्म भाषा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसको देना है वोट दे, एकाधिक नाराज होगी तो कोई बात नहीं, पर मैं जातिवाद नहीं करूंगा, सांप्रदायिकता नहीं करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी ने कहा है उसी के अनुसार चलूंगा। और कवाड़ी जी, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, आर्थ सोशल इक्वालिटी प्रस्थापित करना ही हमारा जीवन मिशन है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता, वो व्यक्ति उसके कार्य कर्तृत्व और गुणवत्ता से